हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के क्विज सीरीज को। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन? फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने के लिए किस देश को चुना गया है? ऑप्शंस क्या क्या है? मेक्सिको और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो यह जो टूर्नामेंट है वो 1991 से खेला जा रहा है। 2023 में होने वाला टूर्नामेंट पहला ऐसा विश्व कप होगा जिसे दो देश और दो विभिन्न फीफा परिसंघों के सदस्य मिलकर आयोजित करेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन 32 टीमों को शामिल करने वाला पहला संस्करण होगा। तो वो दो देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो ऑप्शंस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसके आंसर होंगे। ठीक है, को फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी के लिए चुना गया है। दोनों देशों ने इस विश्व कप की मेजबानी के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया था। इसके बाद अगला टूर्नामेंट जो होगा वो 2 साल बाद आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद में हुए मतदान में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त मेजबानी जो हुई, तो उस मेजबानी के दावे को 22 जबकि उसके एकमात्र प्रतिद्वंदी थे कोलंबिया, उसको 13 मत मिले थे। फीफा अध्यक्ष, ये एक और यहाँ नया क्वेश्चन बन गया कि फीफा के अध्यक्ष कौन है अभी, तो महिला फीफा जो विश्व कप है तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो उसके अध्यक्ष हैं। उन दिनों उसमें शामिल थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पक्ष में मतदान किया। इस महिला विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग ले रही है, ये हमें पता ही है। ठीक है, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एंटी टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम ADS को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है, इसका नाम क्या है? तो क्या क्या ऑप्शन है? जटायु, मारीच, सुग्रीव, सुबाहु। ये सारे जो नाम है वो रामायण के कैरेक्टर से लिया गया है। ठीक है, तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित रूप से निर्मित एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो निकाय सिस्टम जिसका नाम रखा गया है मारीच को शामिल किया गया है। ठीक है, मारीच आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाएगा, लोकेट करने और बेअसर करने में सक्षम भी है। इसे सभी फ्रंटलाइन युद्ध पोतों से फायर किया जा सकता है और इसका डिजाइन और विकास जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है DRDO द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्रालय का उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लिमिटेड इस डुकाय प्रणाली के उत्पादन का कार्य करेगा। इस प्रणाली को शामिल किए जाने से न केवल प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना और DRDO को संयुक्त प्रतिबद्धता झलकती है, बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल जो है और स्वदेशी प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के संकल्प की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है, और बड़ा कदम भी है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? मारीच। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आत्यंतिक वीटो के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आत्यंतिक वीटो का अर्थ है वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकती हो। दूसरा क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो अधिकार वीटो का ही एक प्रकार है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या दोनों कथन सही है ए और बी? क्या केवल एक कथन सही है ए, या दोनों कथन गलत है? तो क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचिए। तो सबसे पहले क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि वीटो का अर्थ क्या होता है। तो वीटो का अर्थ हुआ आत्यंतिक वीटो, ना इसको क्या कैसे जान सकते हैं? तो वीटो ऐसी शक्ति होती है जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त हुई, जो इसी प्रकार का एक कारण हो सकता है। वीटो शब्द जो है वो कहाँ से आया गया है? तो वीटो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्द हैं वी जो टो से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है आई फॉरबिड, यानी निषेध करता हूँ मैं। ठीक है, ये किसी प्रस्ताव को स्थगित करने, खत्म करने या उसका प्रभाव करने जैसे अधिकार प्रदान करता है। विधान के प्रभाव के दृष्टिकोण से कार्यपालिका के वीटो का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन है इसमें? तो आत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो और निलंबनकारी वीटो। आत्यंतिक वीटो क्या है? तो इंग्लैंड के क्राउन के पास आत्यंतिक वीटो का परमाधिकार है। यदि वह किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है तो संसद के मतों के होते हुए भी वह विधि नहीं बन पाता है। ठीक है, विशेषित वीटो क्या होता है?
वीटो विशेषित तब होता है जब विधानमंडल के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सकता हो और उस बहुमत से विधेयक को कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर अधिनियम बनाया जा सकता हो, मतलब उसको तोड़ करके एक नया नियम बनाया जा सकता हो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को इस वीटो श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तीसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो। ये क्या होता है, तो जब कोई कार्यपालिका वीटो इस प्रकार का होता है कि विधानमंडल का सामान्य बहुमत उसका अध्यारोहण कर सकता होता हो तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। फ्रेंच राष्ट्रपति जो है उसको इसी वीटो का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के ये वीटो होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि ये उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, 26 जून, 27 जून, 28 जुलाई, 29 जुलाई। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा, तब तक इसके विषय में थोड़ा विश्लेषण कर लें। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम, माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस कहते हैं इसको, ठीक है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है ये विकास बिल इसका जो हुआ था 2005 में, जो 12 मई 2005 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, और इस अधिनियम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो है इसको 2006 के रूप में नामित किया गया था। फिर उसके बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि 7 अप्रैल 2018 से लागू है कि जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक में अंतिम रूप भी दिया गया था। इस परिवर्तन के बाद अब प्लांट और मिशनरी में निवेश की जगह क्या हो गया, टर्नओवर के आधार पर एमएसएमईज का वर्गीकरण किया जाएगा, ये कहा गया था, ठीक है। प्लांट और मिशनरी की जगह पे टर्नओवर के आधार पर। आगे इसके बारे में और समझेंगे। यह उद्यम जो है ये विकासशील देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम आमतौर पर 250 से कम व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, लेकिन दुनिया भर के अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। क्यों मनाया जाता है इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज के योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। कोविड-19 से हुए आर्थिक नुकसान को कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ ऋण प्रदान करने की घोषणा भी की थी। इसका सही आंसर क्या होगा कि हर साल 27 जून को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? क्या क्या ऑप्शन है, दुर्गा शक्ति नागपाल, स्मिता सवरवाल, अरुणा सुंदर राजन और विनी महाजन। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था। तो विनी महाजन जो है उसे पंजाब राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नियुक्त की गई है। वह 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है, उन्होंने करण अवतार की जगह ली है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना, सुने ही होंगे कुछ दिन पहले न्यूज में आया था, तो किस राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा की है? क्या क्या ऑप्शन है, त्रिपुरा, झारखंड, हरियाणा और असम। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर, तब तक इसके विषय में थोड़ा समझते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिशु और मातृ मृत्यु दर एवं कुपोषण में कमी लाना। सरकार द्वारा इस योजना में सालाना 40,000 महिलाओं को लाभ मिलता है और मिलेगा भी। इस योजना के अंतर्गत जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उसको नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्य रूप से 4 बार परीक्षण कराया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद उन्हें एक पोषण किट भी प्रदान की जाएगी। अब क्या है पोषण किट, तो वो पोषण किट है जिसके अंतर्गत क्या होगा, तो गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाएगी, उसमें क्या क्या होगा, मूंगफली, सोयाबीन, निश्चित दाल, गुड़ और घी जैसी खाद्य सामग्री को मतलब किराने की आपूर्ति की जाएगी इसमें, जिसकी लागत 500 की होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण भी प्रदान करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना की घोषणा की है। तो आंसर क्या होगा इसका, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, H1B वर्क वीजा बैन किस देश ने लगाया है? तो इसका क्या क्या ऑप्शंस है, भारत, न्यूजीलैंड, अमेरिका और चीन। सोचिए क्या होगा इसका आंसर,
सबसे पहले जानेंगे कि H1 वीजा क्या है। तो H1 वीजा को US कांग्रेस ने 1952 में शुरू किया था, यानी 1952 में। तब उसे H1 वीजा के नाम से जाना जाता था। यह शुरू किया गया था स्किल्ड वर्कर के लिए जिसके पास विशेष एबिलिटी हो। उसके बाद इसको 1990 यानी 1990 में इसे दो भागों में विभाजित किया गया। एक हो गया H1A और दूसरा हो गया H1B, ठीक है। तो H1A जो है वो रह गया किसके लिए, नर्सेस के लिए। H1B हो गया विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ है H4 वीजा, जो कि H1B जो बी वीजा है उसके डिपेंडेंट को दिया जाता है, यानी उसकी पत्नी या अनमैरिड बच्चे के लिए होता है, ठीक है। एक वीजा और होता है, कौन सा, L1। यह यूज होता है कंपनी को ट्रांसफर के लिए। कंपनी है जिसका इंडिया में भी ऑफिस है, वह अपने इंडियन ऑफिस से कुछ एम्प्लॉय को यहाँ से क्या कर सकते हैं कि L1 वीजा के अंतर्गत इंडिया से ट्रांसफर करके US बुला सकती है, ठीक है। एक और वीजा का टाइप है जो है H4EAD, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे H4 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्पाउस के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति जो H1B लेकर के US गया हुआ हो और वह अपनी स्पाउस को H4 वीजा दिला देता है उसको, लेकिन उससे काम करने की अनुमति नहीं होता। लेकिन H4 वीजा से क्या होता है, उसकी वाइफ वहाँ रह सकती है, उसके स्पाउस को वहाँ रहने की अनुमति है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई काम करने की अनुमति नहीं मिल सकती है। लेकिन जब H4EAD वीजा ले लिया जाता है तो उसको काम करने की अनुमति भी मिल जाती है, जिसके लिए कई प्रकार के कंडीशंस होते हैं जिसको वहाँ पे फुलफिल करने होते हैं, ठीक है। 22 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसके द्वारा एक टेम्पररी बैन लगाया गया कि सारे वर्क वीज़ा के ऊपर, जिसमें कि एक मेजर वर्क वीज़ा जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है H1B वीज़ा। यह विशेष व्यवसाय वाले जो होते हैं उसको दिया जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट किसको मिलता है, भारत की IT सेक्टर को जाता है, ठीक है। एक और भी बहुत बड़ा वीज़ा है जो अमेरिका का है, जिसको शॉर्ट में गाफा कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, गूगल, एप्पल, फेसबुक, है ना, अमेज़ॉन, ये सब आते हैं। ऐसी कंपनियों के ऊपर भी इसका बहुत ही बड़ा मतलब बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है या मान रहे हैं कि जो वर्क वीज़ा लगाया गया है इसमें US में भी आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानियाँ हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमेरिका, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आषाढ़ी बीज किस प्रकार के पर्व हैं, क्या क्या ऑप्शन है, वर्षा आगमन का उत्सव और नई फसल का उत्सव, क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। कच्छी नववर्ष आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। आषाढ़ी बीज के दौरान स्थानीय किसान यह अनुमान लगाते हैं कि वातावरण में नमी का स्तर कितना है, जिसके आधार पर वह सबसे अनुकूल फसल की बुआई कर सके। आषाढ़ी बीज का यह उत्सव भारत में मुख्य रूप से दो स्थानों पर, कहाँ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में विश्वनाथ मंदिर में और गुजरात के अमरेठ में मुलेश महादेव मंदिर जो है पहले वहाँ मनाया जाता था। तो आषाढ़ी बीज क्या है, एक परंपरागत वर्षा आगमन का उत्सव है और यह हिंदू नववर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कच्छी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेविगेट इन द न्यू नॉर्मल एक व्यवहार परिवर्तन अभियान लॉन्च किया गया है, इसे किसके सहयोग से शुरू किया गया है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, महिला एवं विकास मंत्रालय, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, उपरोक्त सभी, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो नीति आयोग ने COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और तय किए गए मानदंडों का पालन करने में लोगों की मदद करने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल और इसकी वेबसाइट लॉन्च की है। कोविड सेफ बिहेवियर पर यह अभियान फोकस करता है, जिसके अंतर्गत आते हैं मुख्यतः मास्क पहनना और हाथों को बार बार धोते रहना, ठीक है। यह अभियान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, अशोका विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आंसर डी इसका सही होगा, यानी उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न क्या है। हरिता हरम
कार्यक्रम फेस की शुरुआत की गई है और यह कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके? कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए इसके विषय में जाने। तो राज्य सरकार ने राज्य में वनावरण को 3% यानी 33% तक बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में अब तक लगभग 182 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तो तेलंगाना सरकार ने कौन, तो इसका आंसर क्या हो गया? तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में हरिता हरम कार्यक्रम के 6ठे फेज की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत राज्य में लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स सीरीज के क्वेश्चन आंसर्स। ये आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे लोचन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।